हमारा प्राइम मिनिस्टर का तो शेर आ गया मेरे दिमाग में कि ज़बाने खल्क को नकारे खुदा समझो। सो इंशाल्लाह वो वक्त आएगा। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान में हर खूबी है और बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है। असल अफसोस यह है कि इस्लामाबाद को ये नहीं नजर आता कि दिल बलूचिस्तान है, पाकिस्तान के दूसरे सूबों को नजर नहीं आता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमें नजर आता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है और इस दिल को जीतना बहुत जरूरी है। बगैर बलूचिस्तान के दिल को जीते हुए हम पाकिस्तान को सही नहीं कर सकते। और पाकिस्तान को बताना चाहता हूं मैं आज, सब सुनते कानों को, सब समझते दिमागों को, सब देखती हुई आंखों को, कि बलूचिस्तान की धरती के नीचे एक बहुत बड़ा गम फैला हुआ है, एक दुख फैला हुआ है और उस दुख पे हमने मरहम रखना है। कुछ हमने अपनी अपने दौर में रखा था मगर वो कब नहीं है, वो पूरा नहीं है। अभी हमने, मैंने आपको, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको आपको अपनी धरती का मालिक बनाना है। हर चीज जो बलूचिस्तान में है वो आपकी है और किसी की नहीं है। हर चीज, चाहे वो गैस हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो पोर्ट हो या कोई अलग हो, और आपके यहाँ मैंने पानी पहुंचाना है। पाकिस्तान एक एक्सपोर्ट कंट्री तब बनता है जब बलूचिस्तान के पास पानी आता है। बलूचिस्तान सारे सूबों की जमीन एक तरफ, बलूचिस्तान की जमीन एक तरफ। तो अगर बलूचिस्तान को हम पानी दे सकते हैं, और इंशाल्लाह देंगे, हमारे पास फॉर्मूले हैं किस तरह पाकिस्तान को हमने बनाना है, किस तरह बलूचिस्तान, हमारे पास फॉर्मूले हैं किस तरह पाकिस्तान को हमने बनाना है, किस तरह बलूचिस्तान को हमने मजबूत करना है और आपकी किस तरह खिदमत करनी है। मैंने आपका आते ही आपकी जमींदारों की, गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की हमेशा खिदमत की है। आज भी जो सिंध रेट तय करता है वो आपको कनकी का मिलता है, वो आपको चीनी का मिलता है, वो आपको फूटी का मिलता है। ये काम हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बेटे ने अल्हम्दुलिल्लाह पहला यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन के पाकिस्तान का पूरे